अभी भी वो एग्री अपनी बात पे खाया, मैं वो अपनी बात पे मना नहीं कर रहा कभी। आपने ये कहा, आपने ये कहा कि अगर इमरान खान चाहे तो पूरा कर्जा वापस हो सकता है। नहीं मैंने नहीं कहा, मैं खुदा के वास्ते मेरे पे इल्जाम नहीं लगा, अल्लाह के वास्ते इल्जाम रिकॉर्डिंग। आप रिकॉर्डिंग भेजिए मुझे, रिकॉर्डिंग भेजिए, मैं चलाऊंगी चैनल के ऊपर। नहीं मैं ऐसी बातें नहीं नहीं सैया साहब ने पता क्या कहा था, सैया साहब ने कहा था, बात सुने मुझे लफ्ज ब लफ्ज याद है, प्लीज सुने। ये कहा कि वो पॉपुलर है जी, आपने ये कहा था कि वो पॉपुलर है, अगर वो चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। उनके उनके मुजाकरात करने से जी पाकिस्तान को फायदा हो जाता, फायदा हो जाता है। और मेरा भी यही क्वेश्चन है कि अगर इमरान खान पाकिस्तान के लिए, अब मैंने आप लोगों को भी यही कहा था, अपना मैसेज दिया, अगर पाकिस्तान की बेहतरी है, अवाम की बेहतरी है, तो उनको मुजाकरात करने चाहिए। पर आप लोग कहते हैं क्यों मुजाकरात करें इमरान खान, इमरान खान उन चोरों के साथ बैठे तो अवाम जो उसकी मकबूलियत है वो खत्म हो जाएगी, इमरान खान का वो बयानिया पिट जाएगा, जो बयानिया पे इमाम इनके साथ है जिसकी वजह से वो दिलों में बसते हैं वो खत्म हो जाएगा। ये आप लोगों का कहना था, मैं नहीं कह रही हूँ। अच्छा वो इतने गाड़ी छोड़ दो, खैर आपको पता है सही है साहब, ये बात तो ना करें, तो उषा खाना का केस क्या है क्या नहीं, ये आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। बच्चे बनकर आ गए, अब आपके बिट्टे उठा के भाग रहे हो ना, बच्चे बनकर आ गए, वो गाड़ी छोड़ रहे हैं भाई साहब, गाड़ी छोड़ रहे हैं, बीएमडब्ल्यू छोड़ रहे हैं, उसका क्या होगा जो भाई ने पर छोड़ा, उसका क्या होगा, इनको दो सैयद साहब एक सेकंड। सैयद साहब का बस एक लफ्ज कहना था, मरियम नवाज की तारीफ, अगर आपने नवाज की तारीफ कर दी, तारीफ क्यों नहीं करूं, मेरी रिश्तेदार है क्या वो ही ना, आपने तारीफ कर दी तो आप सही है साहब, तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे आप इसकी बात। औरत जो है वो 30 लाख 3 लाख बच्चों को गूगल सर्टिफिकेशन करा रही है, तारीफ नहीं करूं मैं, जिसकी जो अच्छी बात होगी तारीफ की जाएगी ना, जमात इस्लामी के अमीर थे उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी कोई पैसा नहीं निकला, एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन साहब जो फिर एमकेएम आ गई, बस आप समझ लास्ट एमकेएम आ जाती है हमेशा, रोजाना डेली डेली एमकेएम आती है, आखिर के अंदर अल्ताफ हुसैन आ जाते हैं, तशरीफ ले आते हैं, क्या शुरू बस ये ऐसी शुरू होते हैं लास्ट में, यही जब भी वो चले जाते हैं जो सारे कॉलर है वो ड्रॉप हो जाते हैं, और इन लोगों को छोड़ देते हैं, अभी मेरा फोन खराब हो चुका है, ये लोग अगर ड्रॉप हो गए तो उनकी लाइन नहीं मिलेगी, अब ये लाइन पर है तो बस है, और किसी को लाइन नहीं मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही लाइन जी। बड़ी तारीफ करते हैं अल्ताफ भाई की, कोई बड़ी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये तो अच्छे काम हो गए, जैसे मरियम ने अच्छा काम कर रही है तो मैंने वो उसकी भी कहा, सैयद साहब ने भी कहा, ये देखिए लाइन नहीं मिल रही है, ये देखिए लाइन नहीं मिल रही है, फोन पता नहीं क्या हो गया, कल से कर वो दे रहा है, खराब हो रहा है, अब लोगों को कॉलें नहीं मिल रही, बहुत सारे लोग आना चाह रहे होंगे इस पे फोन पे मगर वो आ नहीं रहे, गिरा गिरे थे, मैं मिला रही हूँ ना, ये कॉल नहीं मिल रही है, अब बस जो कॉल है बस हो, अगर मैंने इनको ड्रॉप किया तो बस चले जाएंगे, 5 मिनट का शो रह गया, मैं क्या ड्रॉप करूँ, यही ना मैं इन्हीं से बात करूंगी, गुफ्तगू करूंगी, इसलिए क्या अभी मैं ड्रॉप नहीं कर सकती, इसलिए क्या ना ये ड्रॉप हो जाएंगे, हाँ इसलिए क्या, अब तो क्या जी सवाल ये करना बता, नहीं मैं चीज शेयर करना चाह रहा हूँ जी, जुगनू मोती साहिबा ने ना एक इंटरव्यू किया इमरान खान के बहनोई से, फिजुल्ला नियाजी से, तो उसमें जुगनू मोती ने एक चीज शेयर कर रही है कि इमरान खान से इन्होंने पूछा कि तुम सियासत में आओगे, उसने कहा मैं नहीं आऊंगा, और वजह उसने ये बताई कि कुछ स्पेन की कोई वो लेडी है जिससे उसने हाथ दिखाया था, तो उस लेडी ने इमरान खान को मना किया था कि तुमने सियासत में नहीं जाना,
अगर तुम सियासत में गए तो तुम्हें फांसी चढ़ा दी जाए। तो ये सियासत में तो गए हुए इमरान खान आए हुए पानी अब लग रहा है ना, फांसी करीब आ रही है ना। अच्छा, यानी कि आप